यस बैंक के क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं, कैसे रहे नंबर, इसके लिए सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न में देखेंगे तो याद रखिए कि लैक्स में तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6216 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू आया है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 5871 करोड़ था और एक साल पहले मात्र ये 4947 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत शानदार जंप है इंटरेस्ट अर्न में। दोस्तों बात करें इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस की तो ये 4854 करोड़ आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 4619 करोड़ थे और एक साल पहले ये मात्र 3890 करोड़ थे, यानी यहाँ पर भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और बात करें यहाँ अदर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 182 आया है, जो पिछले क्वार्टर में 133 करोड़ था और एक साल पहले ये मात्र 78 करोड़ था। बात करें अदर इनकम की तो ये दोस्तों 1082 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1143 करोड़ रुपीज़ था, और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो जो टोटल इनकम है दोस्तों वो है 7298 करोड़, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 7015 करोड़ थी और एक साल पहले मात्र 5829 करोड़ थी, यानी टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप है ही, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी शानदार जंप है, ठीक है, यानी कि ये नंबर्स बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छे हैं। लेकिन देखना ये हमें पड़ेगा क्या खर्चों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। तो देखिए बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो ये देखेंगे इस बार आप देखेंगे 2298 करोड़ आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 2020 करोड़ थे और एक साल पहले ये मात्र 1926 करोड़ थे। लेकिन भाई आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका आप कह सकते हैं कि खर्चे भी बढ़ेंगे। अब बात करें इससे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में तो यहाँ पर दोस्तों 4110 करोड़ रुपीज़ था, जो एक साल पहले 3901 करोड़ था और एक साल पहले 3128 करोड़ था। बात करें पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ की तो इस बार 854 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 857 करोड़ था। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो ये इस बार 1444 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में 1342 करोड़ थे दोस्तों और एक साल पहले 1155 करोड़ थे, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इन सबको मिला करके दोस्तों यहाँ पर आप पाएंगे ये है 6409 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 6101 करोड़ थे और एक साल पहले मात्र 5054 करोड़ थे, ठीक है, 0.99, ठीक। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप देखेंगे ना दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आएगा 888.90, ऑलमोस्ट 889 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं 913 करोड़ थे और एक साल पहले 774 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे एक शानदार जंप आपको देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ा नीचे जाते हैं और देखते हैं भाई कि नेट प्रॉफिट कंपनी को क्या हुआ है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो देखिए नेट प्रॉफिट में अगर आप नज़र डालेंगे ना दोस्तों तो इस बार 202 करोड़ रुपए की आई है, जो पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं मात्र 51 करोड़ थी और एक साल पहले ये 367 करोड़ थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक ये शानदार जंप है 202 करोड़ रुपीज़ की। बात करें नेट प्रॉफिट की भी यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे 202 करोड़, जो पिछले क्वार्टर मात्र 51 करोड़ थी। मुझे ये लगता है भले ईयर ऑन ईयर एक गिरावट है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक शानदार जंप है और बाजार को भी ये नंबर्स अच्छे लगेंगे। लेकिन अब थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कंपनी के थोड़े हालात कैसे हैं। देखिए बात करते हैं एनालिटिक रेशियो की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो 18 से घट के 17.9 बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कहीं कोई इशू नहीं है दोस्तों। बात करें ग्रॉस एनपीए की तो 2.02 से बढ़ करके 2.17 हो गई है, ये थोड़ा चिंता का विषय है, ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें नेट एनपीए की तो 1.03 से घट करके ये 0.83 हो गया है, तो ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं नेट एनपीए ने ग्रॉस एनपीए ने थोड़ा झटका दिया है। हाँ जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट है ये अच्छा खासा दिख रहा है 202 करोड़ का और बाज़ार को शायद ये चीज़ अच्छी होती दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है, जय हिंद।